पहले तो मैं 73rd रिपब्लिक डे के आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मोजेस भैया ने मुझे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का मौका दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सर। आप यहाँ पे कई नेताओं ने आपका मान सम्मान का सत्कार किया, लेकिन आप हुए चिन्नप्पा ने यहाँ पे 10 ग्राम का गोल्ड सोना दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे, और स्पेशली छात्राओं को क्या कहेंगे कि आप जो प्रेरणा बनी है, UPSC में टॉप किए, भारत में पहला रैंक है महिलाओं में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए जो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं उसका आप थोड़ा सा चीज़ कीजिए, और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, और ये फील्ड में आने के लिए मैं स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट कर रही हूँ। थैंक यू। भारत में पहला आपने रैंक लाया, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे UPSC की पढ़ाई करना चाहिए और आज इस मुकाम पर आप पहुँच चुके हो, मार्गदर्शन कौन थी आपका? मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी है, वो खुद पुलिस में SI है, तो मुझे उन्हीं से यूनिफॉर्म सर्विस की मतलब जो पैशन मोटिवेशन है यूनिफॉर्म सर्विस के लिए, वो उन्हीं से मुझे मिला है। थैंक यू सर। आप आइए सर। कल्याण मित्र जैन महासंघ के बारे में, इनके ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने सामाजिक काम 6-7 साल पहले शुरू किया था। मीरा भाईंदर में काफ़ी NGOs हैं, उनमें से एक जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहा है किशोर जी, उसमें है कल्याण मित्र जैन महासंघ। मैंने देखा कि मुझे एक दो बार व्हीलचेयर देना था, 5-6 हज़ार के नीचे मिलता नहीं है, और इनकी संस्था के थ्रू मैंने अनेकों बार व्हीलचेयर डोनेट करते हुए देखा है। मैंने उनके जो जयपुर के लेग्स होते हैं वो डोनेट करते हुए देखा है, और इनका कार्यक्रम में हमेशा एक ना बजट इतना बड़ा होता है इनका, तो मैं वो सोचता हूँ कि कैसे कर पाते हैं और इनको कैसे ऊपर वाले से आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने इनसे सीखा है कि आप एक छोटे कार्य करिए, आप 2 व्हीलचेयर से शुरू कीजिए, आगे जाके आप 100 बांट सकते हैं करके। तो कहीं ना कहीं मेरे जो फाउंडेशन है, मैं ऑनेस्टली कहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं लाइव TV पे हूँ, किशोर जी से इनके प्रति ये जो हमेशा पक्षियों को खाना डालते रहते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो प्रेरित होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम पब्लिसिटी करें, हम पब्लिसिटी नहीं करें, हम अगर अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के अगर कबूतर को दाना डालते हैं, आप लोग भी डाल सकते हो। तो वो एक मुझे इनसे प्रेरित मिले। मैंने कम से कम 6-7 जगह, इनको शायद पता नहीं होगा, कबूतर को दाना डालना शुरू किया मेरे एरिया में, इनसे प्रेरित होके किया है। व्हील चेयर मेरे पास 20-25 बांटने का क्षमता नहीं है, लेकिन मैं हर साल 5-6 डोनेट कर लेता हूँ। तो कल्याण मित्र जैन महासंघ की जो टीम है, इन पूरी टीम को मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप इसी तरह काम करते रहे, और अगर कुछ प्रोजेक्ट्स हम साथ में कर सके तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंद। चौहान लाइन्स क्लब ऑफ भाईंदर प्रेसिडेंट। दर वर्षी डॉक्टर पालांडे साहेब आशीष हॉस्पिटलमध्ये 26 जानेवारीच्या दिवशी ब्लड डोनेशन कॅम्प ठेवतात, तर आमचं पण सहकार्य असतं थोडंफार, आणि सरांच्याविषयी किती बोलू, जेवढं बोललं तेवढं कमी आहे। सर रात्रंदिवस एवढी मेहनत करतात, पेशंटला आपली फॅमिली समजतात, आणि त्यांच्यामुळे आम्ही त्यांच्या 20-25 वर्षापासून त्यांच्यासोबत आहे। आम्हाला खूप बरं वाटतं की आमचं छोटंसं सहकार्य त्यांना मिळतं, आणि त्यांचा तर वाटा मोठा असतो। पालांडे साहेबांबद्दल जेवढं कमी बोललो तेवढं जास्त बोललो तरी ते कमी वाटेल। धन्यवाद पालांडे साहेब।